lesson, Hello Standard 3rd. Today we will learn about the exercise of the chapter 6th pronoun. यानी कि last session में हमने दो या तीन exercise discuss कर चुके थे. आज इस sessions में इस exercise को complete करेंगे. यानी कि 6th chapter भी complete होगा और जो 7th chapter है हमारा article वो पढ़ेंगे. एक्सरसाइज डी से हमें कंटिन्यू करना था. देखते हैं. री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड्स विद द प्रोनाउन. यानी कि ये जो सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड्स है उसके हमें एक्सरसाइज ए में हमें जैसा किया था उसका हमें प्रोनाउंस लिखने हैं. फर्स्ट, वीरू हैड अ बर्थडे पार्टी. वीरू गॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स. वीरू लाइक्ड द पजल द बेस्ट. The puzzle had 16 pieces. The first, Viru had a birthday party. He got a lot of gifts. He liked the puzzle the best. It had 16 pieces. Viru ki jagah hi aur puzzle ki jagah it. Second, Hina is a said. Hina will leave soon. Hina has go to Mumbai. Hina is a said. She will leave soon. She has to go to Mumbai. Underlined है हिना लड़की है इसके लिए C. The children went to the zoo. The children ate ice cream. The children released the ice cream. The children went to the zoo. Went. तो यहाँ देखो the children went to the zoo. They ate ice cream. They released. They released the ice cream की जगह it children की जगह दे. आकाश एंड सुहास went to a library. आकाश एंड सुहास greeted the librarian. आकाश एंड सुहास went to a library. They greeted the librarian. दो है बहुवचन. मॉली एंड आई went to watch a movie. Molly and I liked the movie a lot. Molly and I went to watch a movie. She and me, I ka me. Molly is liye ladki, she liked it a lot. Movie ki jagah it. Sixth, Vishal bought a doll. Vishal gave the doll to Rita. Rita loved the doll. Vishal bought a doll. He gave it to her. She loved the doll. तो यहाँ ये exercise complete होती है. Exercise E. Fill in the correct possessive pronoun. अब हमें यहाँ possessive pronouns लिखने हैं. फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन. फर्स्ट, गिव द बुक टू हर. दिस बुक इज हर्स. हर का होगा हर्स. सेकेंड, दिस अम्ब्रेला बिलोंग्स टू मी. दिस अम्ब्रेला इज माइन. मी का माइन. थर्ड, मारिया शोड मी अ हाउस वेर आई शो बिग डॉग. इज डेट हाउस योर्स. क्या ये घर तुम्हारा है. योर्स. थर्ड में, This house doesn't belong to us. It is not ours. It's belong to them. It is theirs. ये जो घर है वो हमारा नहीं है इसलिए it is not ours. It's belong to them. वो इनका है. It is their. वो उसका है इसलिए theirs. Fifth, their elephant is wild. That tame elephant is It's sixth. You are a tall man. These long pants must be yours. Sixth में होगा yours. तो यहाँ हमें possessive pronoun लिखने थे. तो यहाँ ये exercise complete होती है. As well हमारा जो 6th chapter है pronoun का वो भी complete होता है. इस दो chapter की PDF आपको मिल जाएंगी. अब हम जो इसी सेशन में जो हमारा 7th चैप्टर है आर्टिकल वो पढ़ेंगे. 7th चैप्टर है आर्टिकल्स. क्या है आर्टिकल्स. यानी कि ए एंड द
आर कॉल्ड आर्टिकल। हमें पता है कि हम जब भी वाक्य लिखते हैं तो कभी भी वाक्य के आगे ए होता है, एन होता है और द होता है, तो इस ए और एन और इस द को आर्टिकल्स कहते हैं। देखो, ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। वाक्य में हमें देखा है ना, सेंटेंस में ए होता है, कई बार एन होता है, तो बीच में द होता है, तो ये सारे वाक्य में जो होते हैं उसे आर्टिकल्स कहते हैं। तो आर्टिकल तीन है, पहले ये बता दूं, आर्टिकल तीन है, ए एन द आर्टिकल है। तो देखो, आर्टिकल है वो तीन है, ए एन द। द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज़ 26 लेटर, यानी कि ए बी सी डी आप जिसको बोलते हो, ए टू जेड, उसमें वो 26 लेटर है। आउट ऑफ दिस ए ई आई ओ यू आर कॉल्ड वोवेल्स, यानी कि ये ए ई आई ओ यू है जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, उसमें ए टू जेड में ये ए ई आई ओ यू है, उसे स्वर कहते हैं, वोवेल्स यानी कि स्वर। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। अब ये ए और एन तीन आर्टिकल है ना, उसमें ए और एन आर्टिकल है वो इनडेफिनेट है, यानी कि अनिश्चितता, निश्चितता नहीं, निश्चितता सिर्फ आर्टिकल द दिखाएगा। आर्टिकल ए एंड एन आर यूज टू शो वन थिंग आउट ऑफ मैनी, यानी आर्टिकल ए है वो कोई भी एक ही चीज़ को इंडिकेट करेगा, यानी कि इन अदर अनदर वे वी कैन सी डेट इट इज़ अ स्टैंड फॉर अ सिंगुलर और काउंटेबल नाउन, ये भी कह सकते हो। देखो, वी यूज ए एंड एन विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, वी डू नॉट यूज देम विथ अ प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ये जो दो आर्टिकल है, आर्टिकल ए और आर्टिकल एन, वो किसको इंडिकेट करेगा, सिंगुलर चीज हो, एक हो, एक वचन हो, और काउंटेबल नाउन हो, जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसे नाम हो, काउंटेबल नाउन हो, उसके लिए। क्लियर इतना? काउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन बी काउंटेड। अब यानी कि काउंटेबल नाउन क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं। चेयर है, देर इज अ सिक्स चेयर, गिन सकते हैं। देर इज अ फोर ग्लास, चार ग्लास है, ग्लास को गिन सकते हैं। किताब गिन सकते हैं, यानी कि जो भी चीज गिन सकते हैं वो काउंटेबल, और अनकाउंटेबल यानी कि ऐसी चीज जिसको हम नहीं गिन सकते, वाटर नहीं गिन सकते, मिल्क नहीं गिन सकते, पेट्रोल नहीं गिन सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंगोस, पेंसिल, बुक, कैर्स एक्सेट्रा। तो देखो, ये फिर हुआ काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल दिए है कि मैंगोस, पेंसिल, बुक्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच कैन नॉट बी काउंटेड। जैसा मैंने कहा था कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते, अनकाउंट, कांट बी काउंटेड, गिन नहीं सकते। तो देखो, वाटर, राइस, चावल, एयर यानी कि हवा, गिन से नहीं सकते। लव यानी कि वो एक फीलिंग है, वो कोई गिन ही नहीं जा सकती, एट्सेट्रा। फिर देखो, ऑल सिंगुलर थिंग्स आइदर यूज ए और एन बिफोर देम। अब क्या करना है कि आर्टिकल ए और एन, यानी कि आर्टिकल ए और एन है वो नाउन के आगे होगे, लेकिन कब होगे, जो सिंगुलर चीज होगी वहाँ। देखो, यूज ए बिफोर द वर्ड डैट बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि आर्टिकल ए को यूज करना है कि जहाँ व्यंजन हो, व्यंजन हो। अल्फाबेट में हमें पता है कि ए ई आई ओ यू है वो स्वर है, वो हमें पता है। उसके अलावा जो लेटर्स है ए टू जेड अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में, उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, यानी कि व्यंजन कहते हैं। इसीलिए कॉन्सोनेंट साउंड होगा उसके आगे आर्टिकल ए आएगा, और जो वोवेल्स होंगे, जो स्वर है ए ई आई ओ यू, वह आर्टिकल एन। सिंपल चीज। देखो, यूज एन बिफोर द वर्ड डैट्स बिगिन विथ द वोवेल साउंड्स,
यानी कि एन कब यूज होगा, जहां स्वर होगे। तो देखो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द रूल, यहाँ हमें एक रूल बताया है, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ यूनिफॉर्म, सॉरी अ यूनिकॉर्न, अ यूटेंसिल, एन आवर और एन ईयर। देखो यहाँ एच साइलेंट है, एच साइलेंट है एन आवर में, हम बोलते हैं तो ऐसा एच का प्रोनंशिएशन नहीं करते, वो साइलेंट है, यानी कि जिसका प्रोनंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में यदि गुजराती का मान लो अ आ ई ई उ ऐसा हो तो वहाँ एन, और उसके अलावा जो भी हो स्वर, सॉरी अ आ ई ई उ वो हो तो आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल एन आएगा, यानी कि वोवेल साउंड हो अ आ ई ई, यहाँ ए ई आई वो यू है लेकिन वो बोलने भी में उटरेंस में भी तो होना चाहिए, बोलने में भी तो होना चाहिए, इसीलिए देखो वी यूज द इन द फॉलोइंग केस। अब देखो आर्टिकल द कहाँ यूज होगा वो बताया है, वी यूज द बिफोर नाउन वेन वी टॉक अबाउट समवन और समथिंग इन पर्टिक्युलर, यानी कि कोई पर्टिक्युलर चीज के बारे में यदि बात कर रहे हो तो उसके आगे आर्टिकल द। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बर्ड, तो देखो इन द ब्रैकेट लिखा है एनी बर्ड, यानी कि कोई भी पक्षी। इन अदर वे वी कैन सी डेट्स, कोई भी कॉमन थिंग हो, कोई भी कॉमन नाउन हो, द स्टूडेंट, द बर्ड्स, द गर्ल्स, वहाँ है ये आर्टिकल द। दिस इज द बर्ड विच आई शो यस्टरडे, अ पर्टिक्युलर बर्ड। देखो यहाँ फिर से हमें बताया कि ये मैं उस पक्षी की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कल देखा था, ये पर्टिक्युलर हुआ फर्स्ट रूल, यानी कि कॉमन नाउन के आगे। ये भी आप याद रख लो, कोई समूह दिखाता हो वो। वी यूज द बिफोर थिंग्स डेट आर ओनली वन ऑफ देयर काइंड, यानी कि वो चीज एक ही हो और यूनिक थिंग हो, यूनिक थिंग हो उसके आगे आर्टिकल द। देखो एग्जाम्पल द सू, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, ये यूनिक चीज है, सन एक है, मून एक है, आकाश यूनिक चीज है, इसीलिए आर्टिकल द। वी ऑल्सो यूज द बिफोर अ नाउन when we have spoken about it earlier, देखो वो हम द यहाँ भी यूज़ करेंगे जिसके हमें पहले की कोई बात की हो। I had an apple, यानी कि कोई भी एप्पल की बात। I give to the apple to my friend, the apple that I had, तो देखो यहाँ आर्टिकल, यानी कि हम ऐसी चीज़ में भी आर्टिकल द लगाएंगे वो आगे होगा, यानी कि हम तो हम जिसके बारे में पहले बातचीत कर रहे हो उसको भी हम आर्टिकल द है वो लिखेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, जनरली वी डू नॉट यूज एन आर्टिकल विद द प्रॉपर नाउन्स, नेम ऑफ पीपल एंड प्लेस, यानी कि आर्टिकल द है वो किसी प्रॉपर नाउन के आगे नहीं होगा। प्रॉपर नाउन यानी कि हमारा नाम, हमारे नाम के आगे कभी भी आर्टिकल द लिखने की जरूरत भी मत करना, क्योंकि वो बहुत ही रॉन्ग है। आर्टिकल द है वो प्रॉपर नाउन के आगे कभी नहीं आएगा। हाउएवर वी यूज द विद सम प्रॉपर नाउन, यानी कि लेकिन हम ऐसी कई चीज है वो उसके आगे आर्टिकल द लिखेंगे, लेकिन ये बता दूं कि ऐसी चीज होगी जो दुनिया में एक हो, जो वर्ल्ड में एक हो। हम है वी आर नॉट सेलिब्रिटी, हमारे आगे आर्टिकल द नहीं लगेगा, लेकिन कई ऐसी बहुत ही फेमस चीज हो जो दुनिया में एक हो उसके आगे आर्टिकल द। रिवर्स में देखो द गंगा, तो द गंगा रिवर्स है वो एक ही है। द नाइल, दुनिया की सबसे लंबी नदी, द यमुना एट्सेट्रा, यानी कि जो चीज पूरे विश्व में एक हो वो। ओशन, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द माउंटेन रेंजेस, द एल्प्स, द हिमालयास, एक ही है ना हिमालय।
फेमस बिल्डिंग्स, यानी कि बहुत ही फेमस बिल्डिंग हो और वो विश्व में एक हो, इसलिए द रेड फोर्ट, द एफिल टावर, द ताजमहल, तो वो एक ही है। सम बुक्स और न्यूज़पेपर, तो देखो द बाइबल, द भगवत गीता, द कुरान, उसी तरह द इकोनॉमिकल टाइम्स, तो देखो द बाइबल, द इकोनॉमी टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो ऐसे कई सारे बुक और जो न्यूज़पेपर है उसके आगे द, यानी कि विश्व में कोई चीज़ एक ही हो उसके लिए, तो इसके लिए आर्टिकल द, लेकिन हमारे नाम के आगे आर्टिकल द नहीं आ सकता। ये जो थिंग्स है वो आपने देखा कि बहुत ही यूनिक और फेमस है। तो यहाँ इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो, लुक एट ईच पिक्चर, राइट एंड राइट अ ए और एन अलोंग विद द नेम, तो यहाँ हमें आर्टिकल ए और एन का यूज़ करके नाम लिख रहे हैं। फर्स्ट पिक्चर है ईगल, तो एन ईगल। सेकेंड है एग, इसीलिए एन एग। थर्ड है रस्सी, अ रॉप। फोर्थ एन आइसक्रीम। फिफ्थ अ बुक। सिक्स्थ अ हॉर्स। सेवन्थ अ पेंसिल। एट अ वुल्फ। नाइन्थ एन ऑरेंज। टेंथ ए कैट। इलेवन ए चेयर। ट्वेल्व अ काउ। थर्टीन पिक्चर देखो, अ कोबलर, अ बैग, तो देखो फोर्टीन अ बैग। फिफ्टीन अ गर्ल। एंड सिक्सटीन है वो एरो है, इसलिए एन एरो। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट होती है। आज के सेशन में के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर की आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आपके जो पीछे के जो चैप्टर है, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, हैव अ नाइस डे टू ऑल।